आईबी टीवी के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए इस वक्त की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट की है और यहाँ पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो आने वाले हैं और उससे पहले जो चहल पहल जो एयरपोर्ट की बढ़ चुकी है आप देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से उनके स्वागत में जो है आदिवासी जो नृत्य होता है वो भी किया जा रहा है, आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये भी देखिए किस प्रकार से नृत्य किया जा रहा है। उनके स्वागत में आने से पहले जो है आदिवासी का जो नृत्य होता है वो किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये पटना एयरपोर्ट की बाहर की तस्वीर है, जो गेट से बाहर का जो निकलने वाले हैं, जो विशेष अतिथि कक्ष होता है जहाँ से वो निकलते हैं, उस वही जस्ट गेट पर ही जो है एक आदिवासी नृत्य जो है वो किया जा रहा है उनके स्वागत में। और जेपी नड्डा जो है पटना पहुंचने वाले हैं, बस चंद मिनटों में ही वो अब गेट से बाहर आएंगे। इसको लेकर के जो है बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद है, खास करके जो केंद्र में मंत्री हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री तरन राय हो या तमाम जो सांसद है बीजेपी के, वो सभी लोग अंदर हैं। बिहार सरकार के मंत्री जो है वो सभी लोग अंदर हैं और फिलहाल इससे बाहर जो है देख सकते हैं जो तस्वीर में किस प्रकार से आदिवासी नृत्य जो है वो किया जा रहा है। और इसके पीछे आप ये भी जान सकते हैं जो देश की जो अभी महामहिम है वो द्रौपदी मुर्मू है और वो जनजाति से मतलब जो आती है, तो ऐसे में जो है यहाँ की भी जो स्वागत हो रहा है, तो इसमें देखिए शुरुआत ही जो है किया जा रहा है आदिवासी नृत्य से। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से आदिवासी का नृत्य जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर डटे हुए हैं, तमाम जो आप गाड़ी का जो है वो काफिला है और तमाम जो सांसद हैं वो अंदर हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं बीजेपी के वो अंदर हैं, बिहार सरकार में जो बीजेपी के मंत्री हैं वो सभी लोग अंदर मौजूद हैं और जेपी नड्डा के स्वागत के लिए जो है तमाम लोग पहुंचे हैं। और ऐसे में अब आने से चंद मिनट पहले जो है अब जो आदिवासी नृत्य है उसका आप जो नज़ारा देख सकते हैं वो किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप यहाँ की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं, जो कैसे जो इस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया, एनडीए के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया था, द्रौपदी मुर्मू जो है महामहिम देश की, ऐसे में जिस प्रकार से ये कहा गया जो बीजेपी जो है आदिवासी जो जनजाति है उसमें भी खास करके महिला उन्हें उन्होंने जो है देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया। तो ऐसे में जेपी नड्डा के आने से पहले भी जो है यहाँ पर आदिवासी का नृत्य आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो है आदिवासी महिलाएं हैं और वो पारंपरिक जो वेशभूषा होती है आदिवासियों की वो वेशभूषा में है और कुछ पुरुष हैं जो ढोल बजा रहे हैं और वो जिस प्रकार से जो स्वागत गान होता है, जो वो स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का, उसके स्वागत में वो लगे हुए। देखिए आर के सिन्हा जो बीजेपी राज्यसभा सांसद हैं वो मौजूद हैं, मापदंड के अनुसार काम करती है और अपने मापदंड के अनुसार इसे चुना है। कैसा लग रहा है सर जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं पटना? ये माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को बन रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संयुक्त मोर्चे का यहाँ कार्यक्रम किया है, यह आत्मविश्वास दिलाने वाला है और भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक समृद्ध करने वाला कार्यक्रम है। आप बहुत बड़े लीडर है बीजेपी के, ऐसे में जो ये हुआ है बिहार में जो शुक्रवार रविवार के जगह शुक्रवार को स्कूल को बंद किया गया है, कैसे देखते हैं? अभी हमारा माहौल सिर्फ संयुक्त मोर्चे के कार्यक्रम उद्घाटन का है, ये नहीं लग रहा है पर्टिकुलर धर्म के साथ जा रही है गवर्नमेंट। देखिए देश में एक राष्ट्र एक जन वन नेशन वन पीपल है और संविधान के अनुसार ही सब जगह कार्य होना चाहिए, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, सरकारी दफ्तर हो। आप लोग इस पर बात में ध्यान देंगे? निश्चित रूप से संविधान के अनुसार ही सब कार्य होना चाहिए, संविधान से ऊपर कोई ना व्यक्ति है, ना कोई समुदाय है, ना कोई संगठन है। भाई जो है राज्यसभा सांसद बीजेपी के जो थे वो थे और स्वागत में जो है तमाम लोग जो है वो आए हुए हैं। तो ऐसे में लगातार देखिए नृत्य का सिलसिला जारी है, तमाम जो सांसद है, तमाम जो विधायक है वो पहुंचे हुए हैं और ऐसे में जो है आपको तस्वीरें हम सीधा पटना एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं और धीरे धीरे जो भी गाड़ियां अंदर गई थी अब वो बाहर की तरफ निकल रही है। तो ऐसे में देख सकते हैं जो आराम से जो काफिला जो है वो सभी जो है सांसद का या फिर जो भी मंत्री अंदर है उनका निकल रहा है और कई लोग जो है कहीं न कहीं जो लगातार उत्साहित है, तमाम कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित है और आदिवासी नृत्य के माध्यम से जो है जेपी नड्डा का जो है स्वागत किया जा रहा है। लगातार जो है आप देख सकते हैं जो तस्वीरों में बने रही है, देखिए प्रकार से जो है झूम रहे हैं और ये जो नृत्य का आनंद जो है जो लोग हैं मौजूद वो ले रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल सीधे तौर पर कह सकते हैं जो बीजेपी का जिस प्रकार से दो दिनों का पटना में संयुक्त जो है जो टोटल जो प्रकोष्ठ सभी प्रकोष्ठ का जो है
यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया है। आज जेपी नड्डा आ रहे हैं, कल जो है अमित शाह का दौरा है। ऐसे में जो है बीजेपी मय हो चुकी है पटना, भाकपा मय हो चुका है पटना, और लगातार जो है आप देख सकते तस्वीरों में जो आदिवासियों के द्वारा जो है नृत्य किया जा रहा है। आप तस्वीरों में बने रहे, आपको लगातार जो हम अपडेट पहुंचा रहे हैं, तमाम अपडेट जो है पल पल की आपको दे रहे हैं। तमाम जो है अब धीरे धीरे आना वो शुरू हो गया है, कार्यकर्ताओं को जाना शुरू हो गया है। धीरे धीरे जो है तमाम जो सांसद थे मौजूद अंदर वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से जो है मंगल पांडे जी, ये सभी जो है लोग बाहर आ रहे हैं। अब शायद वो आ चुके हैं, अब ऐसे में उनका रोड शो जो है यहाँ से शुरू होने वाला है। जो तमाम जो मंत्री जो भी सांसद हैं वो सभी अंदर से बाहर की तरफ निकलना उनका शुरू हो चुका है, और यहाँ से ही रोड शो जो है प्रारंभ होगा। और ये रोड शो जो है पटना हाईकोर्ट में अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है वहाँ माल्यार्पण होगा। फिर वहाँ से जो है मौर्या लोक तक जाएगा, पटना का जो मौर्या होटल है वहाँ तक जाएगा। वहाँ पर जो है ग्राम संसद का आयोजन है, तमाम वहाँ बैठक लिया जाएगा। उसके बाद जो है ये रोड शो जाएगा, और लास्ट में 4 बजे जो है ज्ञान भवन में जो संयुक्त बैठक जो आहूत की गई है वहाँ वो पहुँचेंगे। तो तस्वीर आपको हम पटना एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस प्रकार से जो है आदिवासियों का पारंपरिक जो है नृत्य हो रहा है, सभी आदिवासी घूम रहे हैं। खास करके बिहार में बीजेपी की जो है अब एक ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि अब बीजेपी के लोग तमाम तरह कई कयास, कई बातें, कई सारी चीजें जानने और सुनने को देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो है बिहार अब एक महत्वपूर्ण जगह जो है खास करके बीजेपी के लिए हो गया है। अब यहाँ पर क्या कुछ होगा और बिहार की सियासत में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि बिहार की सियासत में तमाम जो है अपडेट वो आपको देखने को मिलता है, और तमाम अपडेट जो है आप देखते रहते हैं। जो बिहार में जो राजनीतिक गतिविधियाँ होती वो भी आप देखते रहते हैं। तो ऐसे में ये जो है महत्वपूर्ण एक बैठक बीजेपी के द्वारा, और ऐसे में अब जो है बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है इस बैठक के बाद, ये देखने वाली और जानने वाली बातें होंगी। फिलहाल आप तस्वीरों में बने रहें, आपको सीधा हम एयरपोर्ट से तस्वीर दिखा रहे हैं, गेट की तस्वीर दिखा रहे हैं, और उसी मुख्य गेट की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर जो है आदिवासी नृत्य का जो है आयोजन किया जा रहा है। पारंपरिक जो है वेशभूषा में पारंपरिक जो इन लोगों का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ढोल या फिर झाल, और अपनी वेशभूषा में ये लगातार जो है ये लोग स्वागत के लिए जो है गीत गा रहे हैं, और बिल्कुल जो है पारंपरिक अपनी जो आवाज में जो है पारंपरिक नृत्य में जो है ये स्वागत के लिए तैयार है। जो जेपी नड्डा कब बाहर आए, और ताकि इनका नृत्य के स्वागत के साथ वो पटना एयरपोर्ट से बाहर निकल सके। और ये तस्वीर हम आपको सीधा पटना एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जो जेपी नड्डा के आने से पहले की तस्वीर है। हालांकि अब आने वो आ गए हैं पटना एयरपोर्ट के अंदर, अब गेट के बाहर आना है। इसीलिए जो तमाम जो मंत्री थे, तमाम जो सांसद थे, उनका धीरे धीरे निकलना बाहर हो चुका है। और ऐसे में लाजमी है जो देखने वाली बातें होंगी, क्या कुछ इनके दौरे के बाद यहाँ की तस्वीरें निकलती है, क्या कुछ बातें सामने आती है। देखिए और भी कुछ नेता है, उनसे भी बात करेंगे हम। देखिए दो दो लोग मौजूद हैं, अगर अशोक भट्ट जी है, पुराने कार्यकर्ता है, और हर्षद पाठक जी है। कैसा महसूस हो रहा है आदिवासी नृत्य में पारंपरिक तरीके से आप लोग स्वागत के लिए तैयार है? देखिए सबसे दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन पटना में हो रहा है, और इस पूरे व्यवस्था में हमें दो खुशियां हैं। एक तो नड्डा जी का जीवन और उनका जो शुरुआती बचपन है, यहाँ की जो उनके पिताजी यहाँ पर नौकरी में थे, पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, उनका बचपन यहाँ पर बीता है। तो भारतीय जनता पार्टी से बिहार के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब अपना अक्स उनमें देखते हैं। तो जी ये सब तमाम चीजें तो है ही, लेकिन एक बेहतरीन चीज है जो आदिवासी नृत्य जो परंपरागत तरीके से जो जनजाति को कहीं न कहीं हसीये पर रखा गया सभी दिन, उन जनजातियों के नृत्य से आप स्वागत कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में ही कहा था कि सबका साथ भी लेंगे और सबका विकास भी करेंगे। जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की जो बात है उसमें भी, और जो भागीदारी देने से जो संबंधित बात है वो भी, और किसी भी प्रकार से नीतियों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक हम लोग लगातार पहुंच रहे हैं। और यही कारण है कि आप देखिए यहाँ पर समाज के लगभग सभी प्रकार के कार्यकर्ता हों, समाज के सामान्य लोग हों,
पारंपरिक नृत्य से हम लोग नड्डा जी का यहाँ पर स्वागत करेंगे। नड्डा जी चूंकि उनका संबंध बिहार से रहा है तो एक विशेष लगाव भी है कार्यकर्ताओं का नड्डा जी से, और वो आज उसका रिफ्लेक्शन हम लोग के अंदर आ चुके हैं। कौन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं? नहीं, एयरपोर्ट पे उनका 11:30 बजे का आगमन है, वो एयरपोर्ट के आसपास मतलब या तो लैंड कर चुके होंगे नहीं तो लैंड करने वाले होंगे। अच्छा, ये बताइए जो बिहार के राजनीति में क्या कुछ अब असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए संतोष जी बहुत कुछ है। अभी आपके राज्यसभा सांसद थे और गिरिराज सिंह जी थे, इन्होंने कहा जो आजादी के बाद से रविवार को छुट्टी होती है पूरे देश में, अगर बिहार में ऐसा हो रहा है शुक्रवार को तो ये सरिया कानून है बिहार सरकार के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बिहार में भी इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। अभी झारखंड में इस प्रकार की खबरें आई थी, झारखंड सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं और उनकी मनसा ठीक नहीं दिख रही है कि वो एनडीए में हमारे समर्थन में रहना चाहते, वो व्यक्तिगत तौर पे, जदयू से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से व्यक्तिगत आक्षेप और किसी भी नीतिगत फैसले पे वो जब बोल रहे हैं तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वो बनाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी पर मुझे लगता है कि जदयू को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। नहीं, लेकिन सरकार भी आश्वासन कर चुकी है, सरकार का वाइट है जो ऐसा हो सकता है, इससे उनको कोई आपत्ति नहीं है, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, ये सरकार को। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हम लोग नियम पद्धति से चलने वाले लोग हैं, जो व्यवस्थाएं 70 वर्षों में देश में रही हैं उनको, उनमें जो नियमावली है नियमावलियों में परिवर्तन नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिमों के दबाव में, उनके संख्या के दबाव में जिस प्रकार से फैसले हो रहे हैं, ये फैसले ठीक नहीं है। भारतीय कार्यकर्ता है वो यहाँ डटे हुए हैं, तमाम जो बीजेपी के बड़ी लीडर हैं वो भी अंदर हैं, तमाम लोग हैं, और अब जो है आने का इंतजार किया जा रहा है जो कब जेपी नड्डा जो है गेट से बाहर आए, और जो है उनका जो इन लोग पारंपरिक तरीके से जिस प्रकार से पारंपरिक तरीके से नृत्य हो रही है, जिस प्रकार पारंपरिक तरीके से नृत्य किया जा रहा है, इन नृत्य की तरह जो है नृत्य के माध्यम से उनका स्वागत किया जाए। आप देखिए किस प्रकार, देखिए किस तरीके से लोग जो है आदिवासी वेशभूषा में लगातार जो है नृत्य कर रहे हैं, और स्वागत के लिए जो है गाना जो भी होता है आदिवासियों में वो गाना गाया जा रहा है। बीजेपी नड्डा के स्वागत में जो गानों का जो है आयोजन किया गया है, ये लोग हैं लगातार स्वागत में जो है लगे हुए हैं। ये तस्वीर आप सीधा पटना एयरपोर्ट से देख रहे हैं, और यहाँ से जो है इनका रोड शो शुरू होगा, तो रोड शो होटल मौर्या तक जाएगा, और बीच में पटना हाईकोर्ट में बस वो अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति है उस पर वो माल्यार्पण करेंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं सीधे पटना एयरपोर्ट से की, जो तस्वीर है आपको वो दिखा रहे हैं। Thank you.
तस्वीर जो है सीधा विशेष अतिथि कक्ष जो है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ से जेपी नड्डा का जो आगमन होगा, तमाम तरह की जो है देख सकते हैं प्रशासन के लोग मौजूद हैं, तमाम जो है गाड़ियाँ वो मौजूद हैं, तमाम जो जो बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं सभी लोग अंदर मौजूद हैं। और सामने देखेंगे सर्विस के दिखाया विशेष अतिथि कक्ष है, जब उतरने के बाद यहीं पर वो रुकेंगे और यहां से जो इनका रोड शो वो शुरू होगा। ये तस्वीर हम पटना एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं, जो यहां की तस्वीर जो है सबसे पहले हम आपको आईवीटीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे होंगे तो वो आएंगे और निकलेंगे यहाँ से, रोड शो शुरू होगा और उनकी तैयारी में जो है तमाम तरह के जो है आयोजन किया गया है, तमाम तरह के स्वागत में जो है नृत्य किया जा रहा है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। सीधा आप पटना एयरपोर्ट तस्वीर देख रहे हैं, लगातार तस्वीरों में बने रहें, आपको पल पल का अपडेट जो है हम तस्वीरों के माध्यम से दे रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा जो है पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहां पर जो है लगातार जो है तो जो कार्यकर्ता है उसका उनका उत्साह जो है लगातार देखने को बन रहा है, लगातार जो है कार्यकर्ता उत्साहित है। हमारे साथ हरिभूषण सिंह हरिभूषण ठाकुर जी है, कैसा फील कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पटना आ रहे हैं? बहुत सुंदर, बड़ा उत्साह का माहौल है, कार्यकर्ताओं में खुशी का वातावरण है। क्या आप लोग का दो दिन का बैठक जो होगा बिहार में कुछ न कुछ राजनीति में? नहीं नहीं, संगठन का है ये, राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हो रहा है। स्कूल में छुट्टी कैसे देखते हैं जो इस तरह से हो रहा है? बाद में स्कूल में वाला बाद में होगा, आप लोग मुद्दा उठाएंगे? हाँ उठाएंगे। तो ये हरिभूषण ठाकुर जी थे और तमाम जो है कार्यकर्ता अब यहाँ मौजूद है। देखिए जो है पुलिस का जो है कार्केट है वो भी अब निकलना शुरू हो गया है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है जो जेपी नड्डा जो है जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, अब तस्वीरों में बने रहे और आपको तस्वीर जो है सबसे पहले अभी टीवी पर दिखाएंगे। देखिए किस प्रकार से जो कार्यकर्ताओं का जो है उत्साह है वो आप देख सकते हैं। देखिए जो देखिए किस प्रकार से जो है अब निकलना, गाड़ियों का जो काफिला है वो निकलना शुरू हो गया है। हम सहयोग कहेंगे वो लगातार जो फोकस करते रहे वो दिखाते रहे। देखिए गाड़ी का जो है काफिला धीरे धीरे जो है निकलना शुरू हो गया है, पुलिस का कारकेड भी निकलना शुरू हो गया है और नृत्य जो है जिस प्रकार से कर रहे थे नृत्य आदिवासी समुदाय के लोग वो भी लगातार नृत्य जो है वो कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से जो है धीरे धीरे गाड़ियों का काफिला जो है वो निकलना शुरू हो गया है, आरंभ हो गया है। तस्वीरों आप देख रहे हैं सीधे पटना एयरपोर्ट से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जो जो जेपी नड्डा का जो काफिला है वो अब देखिए देख सकते देखिए तस्वीर देखिए 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 किस प्रकार से बाहर आ गए देख सकते हैं। पटना एयरपोर्ट की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, पटना पहुंचने के बाद जेपी नड्डा की जो पहली तस्वीर है हम आपको वो दिखा रहे हैं। अब यहीं से जो है आपको ये पटना हाईकोर्ट तक जाएंगे, आप तस्वीर में बने रहे। आप गाड़ी से बाहर निकल करके जो है जो भी कार्यकर्ता है उनका कहीं ना कहीं हौसला जो है वो बढ़ा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते देखिए जो भी कार्यकर्ता थे उनका आप ये मनोबल बढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में जेपी नड्डा जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पटना पहुंच चुके हैं। तस्वीर आप सीधा पटना एयरपोर्ट से देख रहे हैं। पटना पहुंचने के बाद हालांकि मीडिया से बात अभी नहीं उनकी हो पा रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं जो भी लोग स्वागत में खड़े हैं वो उनका कहीं ना कहीं हौसला आप जो है वो अफजाई कर रहे हैं। आप तस्वीर में बने रहे देख सकते हैं जो पटना पहुंचने के बाद जो है लगातार किस प्रकार से कार्यकर्ताओं से जो है वो मिल रहे हैं। यहां देख सकते तस्वीरों में गाड़ी से उतर चुके हैं, जो आदिवासी नृत्य होता है उसमें वो आए हैं। सहयोगी से कहेंगे वो दिखाए एक बार, देखिए किस प्रकार से जो है जो कैसे आदिवासियों के संघ जो है ये आप तस्वीर देख सकते हैं मेरे बगल में जस्ट जो है लगातार जो है आदिवासियों के साथ जो है नृत्य कर रहे हैं जेपी नड्डा देख सकते हैं।
जो भी आदिवासी समुदाय के लोग नृत्य कर रहे थे उनसे गाड़ी से उतर कर वो उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनका कुशल क्षेम जान रहे हैं। देख सकते तस्वीर, ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है। अरे देख सकते हैं पटना एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रकार से उतर के जो है जो कार्यकर्ता है उनसे मिल रहे हैं, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। आप तस्वीर पटना एयरपोर्ट से घूमने के लिए वो आए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए आपके कार्यकर्ताओं की भीड़ भी है, तो देखिए देखिए किस प्रकार से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी हैं, साथ में बीजेपी नड्डा हैं। आदिवासियों के साथ जो है वो नृत्य कर रहे हैं, नहीं होगा आपसे आदिवासियों के साथ जो है वो नृत्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो महिला पहले पुरुष आदिवासी जो थे उनके साथ उन्होंने नृत्य किया, जो महिला उनके साथ वो नृत्य कर रहे हैं। देख सकते तस्वीरों में देख सकते हैं। अब वो फिर अपने गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। कैसा लगा मिलके, कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा सर से मिल करके। मिलने के बाद क्या बोले? मिलने के बाद आश्वासन दिए कि जाते पूर्वक रहिए आप लोग, और फिर आगे मतलब कि जब हम लोग आएंगे तो फिर अपने आप लोग के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी मुलाकात की उतर के नृत्य के, कैसा फील हुआ? क्या कुछ बोले भी? हाँ। क्या बोले? क्या बोले? अच्छा शास्त्री चल रहा है। हाँ। स्वागत से खुश हो गए। देखिए तो ये जो महिलाएं हैं आदिवासी महिलाएं हैं, कैसा फील किए मिलके? बहुत अच्छा किए, हम लोग को भी अच्छा लगा। बघा से है। तब ढोल जो बजा रहे थे मुलाकात में, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा हुआ। क्या बोले? आए क्या बोले? स्वागत किया हम लोग को, आशीर्वाद दिया उतर के ना। हाँ उतर के। चलिए तो देख सकते हैं जो भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनसे उतर कर जेपी नड्डा ने जो है मुलाकात किया, उनके साथ जो है नृत्य की। यही गाड़ी है, आप देख सकते होंगे यही गाड़ी। इस गाड़ी से जो अब यहाँ से निकलेंगे और अम्बेडकर के जो मूर्ति है भीमराव अम्बेडकर की पटना हाईकोर्ट में उस पर माला चढ़ाएंगे, उसके बाद सीधा जो है उनका रोड शो काफिला जो है बढ़ेगा तमाम जगहों पर, जो कार्यकर्ता के द्वारा बैनर होर्डिंग पोस्टर तमाम तरह के बैठने की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। यही तो यही वो गाड़ी है जो आपको हमारे दिख रहा है सामने, आगे देख सकते तस्वीरों में यही वो गाड़ी है। देखिए किस प्रकार से जो है उनका काफिला जो पटना एयरपोर्ट से जो बढ़ना शुरू हो गया है, देख सकते हैं। देखिए जो अब इनके काफिला जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, ये देख सकते हैं आप। ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए सीधा तस्वीर जो है पटना एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं। अब कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच चुके हैं और काफ़ी खुश मुद्रा में भी हैं, और लोग जो है लगातार लोगों का जो है इन्होंने अभिवादन किया है और बड़ा शांति ढंग से जो है जा रहे हैं। गाड़ी में देखते डिप्टी सीएम और परिषद अध्यक्ष संजय जायसवाल और तारकिशोर प्रसाद जी जो डिप्टी सीएम है वो भी मौजूद हैं, और रेणु देवी जो है वो भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जो है इस गाड़ी में मौजूद हैं, और गाड़ी अब धीरे धीरे पटना एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकल रही है। देखिए प्रकार से जो है तो इस प्रकार से पटना एयरपोर्ट से जो इनका काफिला जो है वो अब बाहर की तरफ निकल चुका है। अब यहाँ से पटना हाईकोर्ट जाएंगे, वहाँ पर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उन पर पुष्प अर्पित करेंगे, वहाँ से जो होटल मोडियम है जो है ग्राम संवाद का आयोजन किया गया।